Jesus is with us. यीशु हमारे साथ है. Right now the situations are not good, but still we can rejoice in the Lord always. और अभी जो परिस्थिति है वो अच्छी नहीं है, लेकिन हम प्रभु में आनंदित रहेंगे. Can you type amen to that? आप amen types कर सकते हैं. Amen. Hallelujah. So my dear brothers and sisters. इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों. Whole world is crying these days. और ये पूरा संसार आज के दिनों में रो रहा है. Because of the sufferings. और जो ये तकलीफें हैं इसकी वजह से. The problems are coming one after the another. एक के बाद एक समस्या आ रही है. The first of all thing, what happened? The coronavirus came. और पहली चीज क्या आई कि कोरोना वायरस आया. And it has spoiled many things all around the world. और इसकी वजह से बहुत ही चीजें स्पॉइल हो चुकी है. So the people they are losing many things in their lives. और इसलिए लोग अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें खो रहे हैं. World is crying, world is weeping only because of their sorrows and their sufferings. और इस संसार के लोग रो रहे हैं क्योंकि वो बहुत ही समस्या में हैं. But I am here to tell you, your tears are very precious in the sight of God. लेकिन मैं यहाँ हूँ आपको ये बताने के लिए कि आपके जो आंसू हैं ये परमेश्वर के लिए बहुत ही प्रेशियस है, अमूल्य है. When you are suffering with that sorrow, the tears can roll out. और जब आप किसी परेशानी में होते हैं और दुख में होते हैं, आप रोते हैं. Even when you are happy, the tears of joy can come. और जब आप खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, तब भी हमारे आंखों से आंसू आते हैं. When somebody is coming to the Lord Jesus with the real repentance, the tears may come. और जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के पास पश्चातापी हृदय से आता है, तब भी वो आंसू बहाते हैं. Even some chemicals and even the onion can make you cry. और कुछ ऐसे केमिकल्स है या ले लीजिए कि प्याज है, इससे भी हमें आंखों में आंसू आ जाते हैं. हालेलुया. सो माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स. और इसलिए मेरे भाई और बहनों. वन डे आई विजिटेड वन विलेज फॉर द क्रूसेड. और एक दिन क्या हुआ, मैं एक गांव में गया कि प्रचार करने के लिए. एंड इन दोस डेज आई हैड रीनल स्टोन. और उन दिनों में मुझे रीनल स्टोन था, पथरी की बीमारी थी. सो आई स्टार्टेड प्रीचिंग अबाउट गॉड. और मैं उपदेश करने लगा. एंड सडनली आई हैड अ सीवियर पेन इन माय बेली बिकॉज ऑफ दैट रीनल कैल्कुलाई. और अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा ये रीनल स्टोन की वजह से. सो द टीयर्स स्टार्टेड कमिंग आउट. और मेरे आंखों से आंसू आने लगे. एंड एवरीबॉडी दोज हु वर They were listening the word of God. They started thinking, this man is crying because of the anointing. और जहाँ वहाँ जो लोग थे, वो जो प्रचार सुन रहे थे, उन्होंने उनको लगा कि ये जो अभिषेक है, उसकी वजह से मेरे आँखों में आंसू आ रहे हैं. It was a renal calculi that was making me cry. लेकिन ये जो है किडनी स्टोन की बीमारी थी, इसकी वजह से मैं रो रहा था. So my dear brothers and my sisters. इसलिए मेरे भाइयों और बहनों. When you are crying and people they are looking at you, they cannot recognize why you are crying. इसलिए जब आप रोते हो और लोग आपको देखते हैं, उनको पता नहीं चलता कि किस वजह से आप रो रहे हो. And many a times you might have cried or wept before the people, they don't value your tears. और बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों के सामने आप रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, लेकिन उनको उस चीज का कुछ लेना देना नहीं होता. Are you shedding your tears before the careless people of this world? और जिन लोगों को आपसे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों से आप लोगों के सामने आप अपने आंसू बहा रहे हैं क्या? Are you weeping before the people of this world? और इस जगत के संसार के लोगों के सामने आप रो रहे हो? Are you crying in front of the world? आप संसार के सामने रो रहे हो? Are you asking for the help from this world and you are weeping day and night and you are asking for your help? और रात और दिन आप रो रहे हो और इस संसार के लोगों से आप मदद मांग रहे हो क्या? Being a doctor, I would like to tell you. और एक डॉक्टर होने की वजह से मैं आपको बताना चाहता हूँ. When I was working
in a hospital, जब मैं हॉस्पिटल में काम करता था, several times I have heard this sentence from the senior doctors. और जो मेरे सीनियर डॉक्टर से, उनसे मैंने बहुत बार ये बातें सुनी. When the case is serious, what they will say? We can't do anything. Everything is in the hand of God. और जब पेशेंट सीरियस हो जाता है, तब ये सीनियर डॉक्टर बोलते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते. जो कुछ कर सकता है, परमेश्वर करेगा. So my point is that. इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ. God is your creator. हमारा परमेश्वर हमारा निर्माण करता है. Have faith in God. और उस पर विश्वास कीजिए. Trust in Lord Jesus Christ. यीशु पर भरोसा कीजिए. He will change everything for you. आपके लिए वो हर एक परिस्थिति बदल देगा. So if you are crying, you are weeping in front of this world. अगर आप इस जगत के सामने, संसार के सामने रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो. If you are shedding your tears, precious tears before the people of this world. और आपके आंसू हम आप इन लोगों के जगत के लोगों के सामने बहा रहे हो. They will not value your tears. और आपके आंसुओं की वो कीमत नहीं करेंगे. But tonight I am going to tell you. लेकिन आज रात मैं आपको बताना चाहता हूँ. It is good to shed the tears not before the men but before the Almighty God. ये अच्छा है कि आप अपने आंसू परमेश्वर के सामने बहाइए, ना कि मनुष्य के सामने. When you shed your tears before God, जब आपके आंसू आप परमेश्वर के सामने बहाएंगे, He will answer your prayers. वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा. Your repentance can turn this nation upside down. और आपका जो पश्चाताप है, ये इस हमारे देश को उलट पुलट कर देगा. Hallelujah. Hallelujah. Your tears are very precious in the sight of Almighty God. और आपके जो आंसू है, हमारे परमेश्वर के लिए बहुत ही मूल्यवान है. Now I am talking about King David. और अब मैं बात कर रहा हूँ कि दाऊद राजा के बारे में. Psalms chapter 56. भजन संहिता 56 अध्याय and verse 8 और उसका 8वां अध्याय 8वां वचन. Tellest my wandering, put thou my tears into thy bottle, are thy not in thy book? भजन संहिता 56 अध्याय और 8वां वचन. तूने मेरे मारे मारे फिरने का वितरण रखा है, हे परमेश्वर, मेरे आंसुओं को अपने पात्र में रखना. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So the Bible says about the tears. और हमें बाइबल आंसुओं के बारे में क्या बताती है? Here is a King David. यहाँ दाऊद राजा है. And the people of Palestine has seized him at the place called as Gath. और जो पलिस्ती लोग हैं, उन्होंने गत जगह पर दाऊद को पकड़ा. David was caught by the enemy. और जो दाऊद है, उसको उसके दुश्मनों ने पकड़ लिया. बिकॉज ऑफ दैट पेन, बिकॉज ऑफ दैट सफरिंग, ही स्टार्टेड वीपिंग बिफोर द लॉर्ड. और इस परेशानी की वजह से वो परमेश्वर के सामने रोया. एंड व्हाट द बाइबल सेज दैट. और बाइबल हमें क्या बताती है? पुट thou my tears into thy bottle. और अपने पात्र में मेरे आंसुओं को तू रखना. So when you weep here, इसलिए जब आप यहाँ रोते हैं, Hallelujah. Your tears not falling down, but they are going ahead. They are going to the heaven. आपके आंसू नीचे नहीं गिर रहे, तो वो स्वर्ग में जा रहे हैं. Do you know the science of the rain? आपको पता है कि बारिश के पीछे क्या साइंस है? Water evaporates and what happens? That goes to the sky and then after the rain comes. और जो जल है, उसका भाप हो जाता है और वो फिर ऊपर आसमान में लिया जाता है और उसका रूपांतर बारिश में हो जाता है. I'm not here to tell you about the physical rain now. मैं अभी आपको ये जगत की बारिश के बारे में नहीं बता रहा. But I'm telling you one mystery. लेकिन मैं आपको एक मिस्ट्री बता रहा हूँ. When you shed your tears in front of your Lord and your God, your Almighty Master. जब आप आपके आंसू आपके परमेश्वर आपका निर्माणकर्ता के सामने आप बहाओगे, those tears will go to heaven. वो आंसू स्वर्ग में जाएंगे. And the showers of blessings will come upon your lives. और आशीषों की बारिश आपके जिंदगी पर आएगी. My brothers and my sisters, मेरे भाई और बहनों, stop
weeping before people. लोगों के सामने रोना छोड़ दीजिए. Come to Lord Jesus. प्रभु यीशु के समीप आइए. Hallelujah. He will answer your prayers. वो आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा. You know that song? आपको पता है ये गाना? स्तुति आराधना ऊपर जाती है. Hallelujah. Hallelujah. And what comes down? और फिर नीचे क्या आता है? Hallelujah. Blessings. आशीष. आशीष देखो नीचे आती है. Hallelujah. In the same way, your tears will ascend to the heaven. और इसी तरह आपके जो आपको आपके जो आपके जो आंसू है वो स्वर्ग में जाते हैं. And what will happen? और क्या होता है? The showers of blessings will come upon you. और जो आशीषों की बारिश हो जाती है. My brothers and my sisters. मेरे भाइयों और बहनों. As David wept before God. जैसे दाऊद राजा परमेश्वर के सामने रोया. God answered his prayer. परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया. One more prophet is there. और एक नबी यहाँ पे है. And his name is Nehemiah. और उसका नाम नहमाया है. Nehemiah chapter 1 verses 3 and 4. नहमिया इसका पहला अध्याय 3-4 वचन. The Bible tells us. बाइबल हमें बताती है. When Nehemiah heard this news that the wall of Jerusalem has broken. जब नहमिया ने ये सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह गिर चुकी है. Hallelujah. Hallelujah. What happened? क्या हुआ? And when he heard that everything is burned with fire. और उसने ऐसा सुना कि प्रवेश द्वार और सब कुछ जल चुके हैं. He says in the scripture, I sat down and wept. उसने वचन में कहा है कि मैं बैठ गया और मैं रोने लगा. Jerusalem was broken and the prophet of God started weeping before God. और यरूशलेम पूरी तरह से टूट गई थी और जो प्रभु का नबी है वो परमेश्वर के सामने विलाप करता रहा और रोता रहा. When you see your nation is breaking. जब आपने देखा कि आपका जो देश है आपके लोग हैं जो टूट चुके हैं. When you are seeing many problems are coming to your nation. और जब आप देखते हैं कि बहुत सारे समस्याएं आपके देश पर आती है. Dear brothers and sisters, मेरे भाइयों और बहनों. I want to encourage you. मैं आपको उत्साही करना चाहता हूँ. Don't go here and there to search for your solution, but come to Lord Jesus and weep at his feet. और यहाँ वहाँ मत जाइए कि कहीं से आपको उत्तर मिलेगा. तो ये कीजिए कि आप प्रभु के चरणों में आ जाइए. And you know how God answered Nehemiah and the broken walls again God rebuilt through him. और आपको पता है कि नहमाया को परमेश्वर ने कैसे उत्तर दिया और जो शहरपनाह गिर चुकी थी परमेश्वर ने वो फिर से बांधनी चालू की. Amen. When you shed your tears before God, जब he will rebuild everything in your life. जब आपके आंसू आप परमेश्वर के सामने आप आंसू बहाते हो तो परमेश्वर वो चीजें फिर से नई कर देता है. One more prophet is there in the Bible. और हम बाइबल में और एक नबी है. And even the people call him the weeping prophet. और लोग उसे रोने वाला नबी कहते हैं. Weeping prophet. रोने वाला नबी. If you know his name, I want you to type in the comment box. अगर आपको उसका नाम पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उनका नाम बता सकते हैं. Hallelujah. Hallelujah. If you know that name, अगर आपको उसका नाम पता है. You can type it. आप टाइप कर सकते हैं. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So, just let me see what you are writing there. Amen. Hallelujah. You know the name of that prophet? आपको पता है उस नबी का नाम क्या है? Jeremiah. यिर्मयाह. All the time he was crying for Israelites. और इजराइली लोगों के लिए वो हमेशा रोता था. He shed the tears before God. वो परमेश्वर के सामने रोता था. So here I am to tell you. और यहाँ मैं हूँ आपको बताने के लिए. When Jesus served the Almighty God. जब यीशु ने परमेश्वर की सेवा की. Hebrew chapter 5. इब्रानियों की पत्री 5वां अध्याय. 7-10. 7-10 तक वचन. Bible tells us how Jesus prayed. बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने कैसे प्रार्थना की. He prayed with the tears. उसने आंसू बहाकर प्रार्थना की.
always whenever Jesus prayed, almost he prayed with the tears. और जब जब प्रभु यीशु प्रार्थना करते थे वो रोकर प्रार्थना करते थे. What is the prayer? वो क्या प्रार्थना थी? Prayer, it doesn't mean that just you are telling your needs to God. और प्रार्थना क्या है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो परमेश्वर को बताना, इसको प्रार्थना नहीं कहते. When my small daughter she comes to me. जब मेरी छोटी बेटी मेरे पास आती है. If she wants anything. अगर उसको कुछ चाहिए. If I will say no. अगर मैं उसको नहीं बोलूंगा. She keep on asking, daddy, daddy, please give me. She will keep on crying. वो रोती है और फिर से वो चीजें मुझे मांगती है. Hallelujah. Hallelujah. In the same way, as my daughter is asking for the things to me, we should cry and we should ask to the Lord. और उसी तरह जैसे मेरी बेटी मुझे चीज़ें मांगती है और मैं उसे देता हूँ, उसी तरह हम परमेश्वर के सामने आंसू बहाएंगे. सो व्हेन यू क्राई बिफोर लॉर्ड, जब आप प्रभु के सामने आंसू बहाएंगे, व्हेन द प्रेयर इज कमिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट, जब आपके दिल की गहराई से आपकी प्रार्थना आती है, गॉड ऑलमाइटी विल आंसर योर प्रेयर. ये हमारा जो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है वो आपकी प्रार्थना सुनेगा. हालेलुया. हालेलुया. व्हेन जीसस वेंट टू बेथानी, और जब यीशु बेथानी गए, द स्मॉलेस्ट स्क्रिप्चर ऑफ द बाइबल, और बाइबल का सबसे छोटा वचन है, जॉन चैप्टर 11 एंड वर्स 35, यूहन्ना की 11वां अध्याय और 35वां वचन, जीसस वेप्ट, यीशु रोया. जस्ट टू वर्ड्स, जीसस वेप्ट, सिर्फ दो शब्द, यीशु रोया. स्क्रिप्चर इज वेरी पावरफुल, लेकिन ये जो वचन है बहुत ही सामर्थ्यशाली है. सो आई एम हियर टू टेल यू माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ भाई और बहनों, जीसस प्रेड ऑलवेज टू द लॉर्ड विद द टीयर्स. यीशु हमेशा प्रार्थना करता था, वो रो के प्रार्थना करता था. एंड व्हेन यू शेड द टीयर्स बिफोर गॉड, और जब आप ये परमेश्वर के सामने आंसू बहाते हैं, व्हेन यू शेड द टीयर्स बिफोर गॉड, जब आप प्रभु के सामने आंसू बहाते हैं, ही रेज योर डेड लाजरस, वो आपके लिए जो मृत लाजर है उसको फिर से जीवित करेगा. कैन यू से आमेन टू दैट? आमेन. Yeah, hallelujah. Hallelujah. If you are blessed, I want you to type amen. अब अगर आप आशीषित हुए तो मैं चाहता हूँ कि आप amen type करें. One more lady is there in the Bible. एक और स्त्री है बाइबल में. When Abraham was visited by God. और जब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया. Abraham gave water to wash the feet. जो इब्राहिम था उसने परमेश्वर को पांव धोने के लिए पानी दिया. बट वन सिनफुल लेडी इन द बाइबल, लेकिन एक ऐसी स्त्री है जिसने पाप किया था बाइबल में. शी गेव समथिंग स्पेशल टू द लॉर्ड, और उस पापी स्त्री ने प्रभु को कुछ स्पेशल दिया. हालेलुया. शी डिड नॉट गिव वाटर लाइक अब्राहम टू वॉश द फीट, बट शी वेप्ट on the feet of Jesus. And she washed the feet of Jesus with her own tears. इब्राहिम की तरह उसने परमेश्वर को पानी नहीं दिया, तो उसने अपने आंसुओं से प्रभु यीशु के चरणों को धोया. Luke chapter 7. लूका की किताब 7वां अध्याय. Verses 36 to 50. 36 से 50 वचन. And how Jesus washed her sins with His power. और कैसे प्रभु यीशु ने अपने सामर्थ्य से उस पापी स्त्री के पापों को धोया. This is the most blessed thing. और ये बहुत ही आशीषित बातें हैं. When you shed the tears at the feet of Jesus. जब आप आपके आंसू यीशु के चरणों में बहाते हैं. Psalm chapter 126 and verse 5. वचन संहिता 126 अध्याय और 5वां वचन. Those who sow with the tears will reap with songs of joy. भजन संहिता 126 पांचवा अध्याय. जो बीज को आंसुओं के साथ बोते हैं वे फसल को जय जयकार करते हुए काटेंगे. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Hallelujah. We should sow our seed with the tears. हम अपना जो बीज है वो आंसुओं के साथ हमें बोना चाहिए. And God Almighty, और जो सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, wipe away the tears. वो सब आंसुओं को पोंछ देगा. Hallelujah. Hallelujah. When the harvest will come, और जब फसल आएगी, you will not weep, but you will sing a song of joy. आप रोगे नहीं तो आप जय जयकार करोगे.
हालेलुया हालेलुया वन वीक बैक एक वीक पहले आई विजिटेड वन सिस्टर्स हाउस एक सिस्टर के घर में गया था एंड वन गर्ल केम देयर और वहां पे एक बेटी आई एंड शी सेड पास्टर प्लीज प्रे फॉर मी और उन्होंने कहा कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना कीजिए आई इंक्वायर्ड हर व्हाट इज द प्रॉब्लम और मैंने पूछा कि तुम्हारी समस्या क्या है एंड शी सेड टू मी और उसने मुझे बताया सिंस लास्ट 3 years पिछले 3 सालों से आई एम स्टेइंग एट माय मदर्स हाउस मेरे माँ के घर में मैं रह रही हूँ आई एम मैरिड मैं शादीशुदा हूँ माय हस्बैंड इज नॉट स्टेइंग विद मी लेकिन मेरा जो पति है मेरे साथ नहीं रहता लास्ट 3 years पिछले 3 सालों से माय हस्बैंड डिड नॉट कॉल मी मेरे पति ने मुझे फोन नहीं किया पास्टर पास्टर विल यू प्रे फॉर मी आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए आई सेड व्हाई नॉट मैंने कहा क्यों नहीं हालेलुया हालेलुया आई प्रेड फॉर दैट सिस्टर उस बहन के लिए मैंने प्रार्थना की टुडे आफ्टरनून और आज शाम को द सेम सिस्टर कॉल्ड मी वही बहन ने मुझे फोन किया said, और उसने कहा माय हस्बैंड who left me for last 3 years aur mera pati jo jisne mujhe 3 saal chhod diya tha when you prayed jab aapne prarthna ki after that uske baad just within 3 days 3 dino ke andar my husband came back to me mera pati mere paas aaya amen hallelujah 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 jesus is alive hamara prabhu yeshu zinda khuda hai and he changed the lives of many people और वो बहुत से लोगों की जिंदगी बदल देते जस्ट वी नीड टू हैव ट्रस्ट इन हिम हमें सिर्फ उस पर भरोसा करना है सो व्हेन यू शेड द टीयर्स एट द फीट ऑफ जीसस इसलिए जब आप प्रभु यीशु के पैरों पर अपने आंसू बहाते हैं ही विल आंसर ईच एंड एवरी प्रेयर आपकी हर एक प्रार्थना वो सुनेगा मैथ्यू चैप्टर 5 एंड वर्स 4 मत्ती की किताब 5वां अध्याय और 4th वचन ब्लेस्ड आर दोज हु माउन For they will be comforted. If you will cry before the Lord, अगर आप परमेश्वर के सामने रोगे, वो आपकी प्रार्थना का, वो आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, वो आपको कंफर्टेबल करेगा. In this world, और इस जग संसार में, Hallelujah. I'm not telling you come to Jesus and there will be no sorrows and sufferings in your life. मैं आपको ये नहीं कहता कि प्रभु यीशु के पास आइए और आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दुख नहीं आएगा. But when you come to the Lord, लेकिन जब आप प्रभु यीशु के पास आते हो, the sorrows will come, sufferings will come. आपके आपको दुख आएंगे, परेशानी आएंगी. But through the power of Almighty God, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से, you will overcome. आप उस पर विजय पाएंगे यू विल ओवरकम आप उस पर विजय पाएंगे यू विल ओवरकम आप उस पर विजय पाएंगे व्हाई यू आर क्राइंग टुडे आज क्यों आप रो रहे हैं व्हाई यू आर शेडिंग योर टीयर्स टुडे आज आप आपके आंसू क्यों बहा रहे हो गॉड विल आंसर ईच एंड एवरी प्रेयर ऑफ योर्स परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना सुनेगा ही विल पोर हिज माइटी ब्लेसिंग्स अपॉन योर लाइफ वो उसके आशीष आप पर उंडेलेगा ट्रस्ट इन गॉड उस पर विश्वास रखिए वेयर इज जीसस यीशु कहाँ है हालेलुया राइट नाउ जीसस इज विथ यू अभी प्रभु यीशु आपके साथ है जीसस राइट नाउ ही इज विथ यू अभी वो आपके साथ है ही विल वाइप अवे एवरी टियर फ्रॉम योर आई आपके आंखों में से निकलने वाला हर एक आंसू वो पोंछ डालेंगे हालेलुया दोज हु आर सफरिंग थ्रू आउट देयर लाइव्स और जो अपनी पूरी जिंदगी दुख में तकलीफों में रहे हैं और परमेश्वर पर विश्वास है उनको ग्रेट रिवॉर्ड इन हेवन उनको स्वर्ग में बहुत ही बड़े आशीष है इफ यू आर फेसिंग ट्रबल इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ द गॉस्पेल और सुसमाचार की वजह से आपके जिंदगी में आपको दुख और तकलीफें हो रही है इफ पीपल दे आर टॉकिंग अगेंस्ट यू अगर लोग आपके विरुद्ध में बात कर रहे हैं इफ यू आर फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ अगर आपकी जिंदगी में आप बहुत सी समस्या से गुजर रहे हैं यू हैव अ बिग रिवॉर्ड आपके लिए बड़ा ही इन हेवन बड़ा आशीष है स्वर्ग में रिवीलेशन चैप्टर 7 प्रकाशित वाक्य इसका 7वां अध्याय वर्स 16 एंड 17 16 और 17 वचन नेवर अगेन विल दाई हंगर नेवर अगेन विल दाई थर्स्ट द सन विल नॉट बी डाउन ऑन देम नॉर एनी सॉर्चिंग हीट उन्हें फिर कभी न तो भूख लगेगी और न प्यास
उन्हें तो धूप से कष्ट न होगा और न किसी प्रकार के ताप से। For the lamb at the center of the throne will be their shepherd. He will lead them to the springs of living water, and God will wipe away every tear from their eyes. क्योंकि सिंहासन के सामने विद्यमान मेमना इनका चरवाहा होगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास ले जाएगा और इन्हें संजीवन जल के स्रोतों के पास और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। Amen. God shall wipe away every tear from your eye. परमेश्वर आपकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। I am telling you. मैं आपको बता रहा हूँ। I am not saying that the human will come, somebody will come to wipe away your tears. और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई मनुष्य आएगा, कोई दूसरा आएगा और आपके आंसू पोंछ डालेगा। One day is coming to your life. एक ऐसा दिन आपकी जिंदगी में आ रहा है। God will wipe away every tear from your eye. परमेश्वर आपकी आंखों से हर एक आंसू को पोंछ डालेगा। And then after. और उसके बाद। No more shedding of the tears. कोई आंसू बहाना नहीं होगा। No more sorrows. No more suffering. कोई दुख, कोई समस्या नहीं होगी। You will rejoice forever. आप आनंद मनाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. But when you are here. लेकिन आप यहाँ है। Hallelujah. When you are on this planet. और जब आप इस पृथ्वी पर है। God want you to pray. परमेश्वर चाहता है कि आप प्रार्थना कीजिए। God want you to praise and worship him. परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी स्तुति और आराधना करें। And the most important thing. और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। Spread the gospel. सुसमाचार का प्रचार कीजिए। Spread the gospel. सुसमाचार का प्रचार कीजिए। Spread the gospel. सुसमाचार का प्रचार कीजिए। We are in the end time. हम आखिर के दिनों में हैं। Hallelujah. Hallelujah. You are seeing many signs around the world. और हम पूरे संसार में सब चिन्ह देख रहे हैं। But Lord is with us. लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। Hallelujah. Hallelujah. Before destroying this world, ये जगत का नाश होने से पहले, Jesus Christ will come again. यीशु मसीह फिर से आएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Jesus is coming with the clouds. यीशु मेघ पर बैठकर आएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Prepare yourself. अपने आप को तैयार कीजिए। Jesus is coming again. यीशु फिर से आ रहे हैं। Jesus is coming again. यीशु फिर से आ रहे हैं। He will wipe away every tear from your eye. आपकी आंखों से हर एक आंसू को वो पोंछ डालेंगे। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters. मेरे भाइयों और बहनों। He will change the situation. आपकी परिस्थिति वो बदल डालेंगे। Tonight I want you to cry before Jesus. मैं चाहता हूँ कि आज आप यीशु के सामने रोए। Cry out for the nation of India. और हमारे भारत देश के लिए आप रोए। Hallelujah. Hallelujah. Pray for the protection for this nation. और इस भारत देश के प्रोटेक्शन के लिए आप प्रार्थना कीजिए। Hallelujah. Hallelujah. My brothers and my sisters. मेरे भाइयों और बहनों। This is the time for the prayer. ये प्रार्थना का समय है। Hallelujah. Hallelujah. Just close your eyes and we'll pray together. हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. Glory, 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 glory. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Hallelujah. Rebe to soko rikanto korono. Glory, glory, glory. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. 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 Loving Heavenly Father. स्वर्गीय पिता, we have not come to any dead God. हम कोई मृत परमेश्वर के सामने नहीं आए। But we proclaim, we declare that our God is alive. हम डिक्लेयर करते कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अब्बा फादर, और पिता, we praise you, we worship you, Master. हम आपकी स्तुति आराधना करते हैं। Lord. प्रभु, those people are watching me live right now. जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, if they are in pain or in agony, अगर वो दुख में है, तकलीफ में है, Lord, wipe away all the tears from the eyes of your people. उनके आंखों के हर एक आंसू को आप पोंछिए. Answer the prayers of your people. उनके प्रार्थना का उत्तर आप दीजिए. As the water evaporates and it goes in the sky and the rain comes. और जैसे पानी भाप होकर आकाश में जाती है और उसका बारिश गिरती है. In the same way. उसी प्रकार. Our tears are going to the heaven. हमारा जो आंसू है वो स्वर्ग में जा रहे हैं। And the rain of blessing is coming upon your people.
और जो आशीषों की बारिश आपके लोगों पर हो। We declare showers of blessing upon the nation of India। भारत देश पर अब हम आशीषों की बारिश डिक्लेयर करते हैं। We speak the blessings upon the people of God। और परमेश्वर के लोगों पर हम आशीष डिक्लेयर करते हैं। Right now। और अभी। Lord, we pray for the healing। हम चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। Those who are sick, जो बीमार है, Those who are suffering with the diseases, और जो रोगों से पीड़ित है, Bible says that, Bible हमें बताती है, Isaiah chapter 53 and verse 5, यशायाह 53 और पांचवा अध्याय, Through the stripes of Jesus we are healed, और यीशु को जो कोड़े मारे गए उससे हम चंगे हो गए हैं, In the name of Jesus, यीशु के नाम से, We declare, हम ये declare करते हैं, Those who are watching live right now, और जो अब live देख रहे हैं, Every sickness is leaving them right now in the name of Jesus, और हर एक बीमारी यीशु के नाम से निकल जाए, In the name of Jesus, यीशु के नाम से, Every sickness is going away, हर एक बीमारी जा रही है। Thank you, Lord, for healing your people. आपको धन्यवाद यीशु कि आप आपके लोगों को चंगा कर रहे हैं। Abba Father, और पिता परमेश्वर, many people they are going through the financial crisis. और बहुत से लोग जो financial समस्या से जा रहे हैं। Lord Jesus, यीशु, you came into this world. आप इस जगत में आए। You became poor so we may become rich through the power of cross. और आप हमारे लिए गरीब हो गए इसलिए कि हम You want us to become rich for your glory. और आपके गौरव के लिए आप हमें आशीषित करें। Thank you, Jesus, for blessing your people financially. आपके लोगों को financially आशीषित करने के लिए धन्यवाद। During this lockdown time, Lord. और इस lockdown के समय में, Lord, nobody can lock The blessings of your people. प्रभु आपके लोगों के blessings कोई भी lock नहीं कर सकता। Lord, we release your power, your blessings upon your people. आपके लोगों पर आपके आशीष हम release करते हैं। Even in the time of this trouble. और इस समस्या की घड़ी में। Let your people prosper in every direction for your glory. और हर एक तरह से आपके लोग आशीषित हो और संपन्न हो। Thank you, Lord, for answering this prayer. धन्यवाद परमेश्वर आपने ये प्रार्थना का हर एक शब्द सुना। Abba Father, we bless He Foundation Ministry. और परमेश्वर He Foundation Ministry को हम आशीषित करते हैं। Bless them, Lord, and continue to use them, Lord. उनको आशीषित कीजिए और उनका उनको और आशीषित कीजिए। Thank you, Master, for answering each and every word of this prayer. इस प्रार्थना का हर एक शब्द आपने सुना इसलिए आपको धन्यवाद। We declare. और हम डिक्लेयर करते हैं इन द रेलम ऑफ स्पिरिट और आत्मा के रेलम में हम डिक्लेयर करते हैं वी आर नॉट वीपिंग बिफोर द मैन हम मनुष्य के सामने नहीं रो रहे हैं बट वी आर वीपिंग एट द फीट ऑफ जीसस लेकिन हम प्रभु यीशु के सामने रो रहे हैं एंड गॉड विल आंसर एवरी प्रेयर्स और परमेश्वर हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा थैंक यू अब्बा फादर थैंक यू पिता परमेश्वर फॉर आंसरिंग दिस प्रेयर हर एक प्रार्थना आपने सुनी वी गिव यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर टू योर नेम सारा आदर और महिमा आपको देते हैं इन जीसस मैचलेस नेम वी प्रे यीशु के नाम में मांगते हैं इसलिए आप सुने आमेन 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 हालेलुया हालेलुया आर यू हैप्पी आप खुश हैं आमेन इफ यू आर ब्लेस्ड थ्रू टुडेज वर्ड अगर आज के जो वचन से आप आशीषित हुए हैं तो आई वांट यू टू पुट सम कमेंट मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कमेंट करें हालेलुया हालेलुया इफ यू हैव एनी प्रेयर रिक्वेस्ट कोई प्रार्थना करना चाहता है तो यस पुट इट इन द कमेंट बॉक्स सो वी कैन प्रे फॉर यू कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट कीजिए हालेलुया जस्ट पुट इट इन द कमेंट बॉक्स सो वी कैन प्रे फॉर यू कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस हालेलुया Thank you, Jesus. Brother Sach, we are praying for your good health and for your life, your financial problems. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. So we are ending this session, but whatever you will put in the comment box, be sure that we'll pray for you.
और हम यहीं पे हम समाप्त करेंगे ये सेशन, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में आप प्रार्थना के लिए कुछ अगर प्रार्थना करनी है तो आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आमेन। आमेन। व्हाट वी लर्न टुडे, और आज हमने क्या सीखा? डू नॉट शेड योर टीयर्स बिफोर द केयरलेस वर्ल्ड, बट शेड योर टीयर्स बिफोर द गॉड हु केयर्स फॉर यू। और इस संसार के लोग हैं जो आपको आपकी चिंता नहीं करते, उन लोगों के सामने आप अपने आंसुओं को मत बहाइए, तो अपने आंसू हम परमेश्वर के सामने बहाएंगे। आमेन। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीषित करें। सी यू सून। थैंक यू सो मच। फिर से मिलेंगे। थैंक यू।